हुआ ना तुम्हारी शादी करवाई और तुमने बुआ की शादी करी। हाँ मेरे उसकी शादी के संस्कार सगले मेरे हाथ के हैं। ये देखो हरी मिर्ची, ये तो मम्मू बुआ ने मंगाई है। हम भी डाल लेंगे, बुआ ही खाना जाना है, मिर्च हम ना खाते, हम ना खाते। तो तुम्हारी अलग है तो हाँ, मैं बुआ से कहूंगा, बुआ तुम्हें डाल के भेज दूंगी। ठीक है, सही है, मेरे लिए अच्छी सी। हाँ। पापा के पपीता अभी तो सब बंद कर दी, मैं नहीं हूँ तो अभी तो करे हैं, जब से तो खा भी खा ही रहे तो दे दो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं नहा लिया हूँ और देखो मैं क्या खा रहा हूँ सुबह सुबह। मम्मी अभी जागरण से आई है, मैं सो के उठाऊँ, ये है प्रसाद जागरण का। मुझे बहुत अच्छा लगता है जागरण वाला हलवा और एक भंडारे की सब्जी पूड़ी मैं बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मम्मी नींद आ रही तुम्हें? और नींद आ रही मुझे। मम्मी देखो सुबह सुबह आई है जागरण देख के, सोऊंगी नींद आ रही है। नींद आ गई, तिलक तो लगना रहा मम्मी, तुम जागरण देख के आई हो, बड़ा हरामी हो बेटा। वो पहले लगा दिए तिलक तो फिर मैं गई ना, भीड़ बहुत हो रही है। भीड़ हो रही है और गाइस अब मम्मी के ना पैरों में दर्द रहता है तो मैं अपना ये रूम भी चेंज कर रहा हूँ, तो अब दूसरी जगह देखा है हमने एक बहुत अच्छा। अब बहुत परेशानी हो जा चढ़ने में, चढ़ा ना जाता, मम्मी चढ़ नहीं पाती, दर्द रहे पैरों में मेरे, बहुत परेशानी है। तुम्हें नींद आ रही मम्मी? हाँ सोऊंगी, अब सो जाओ काम करके। देखो मैंने तेल लगा लिया बालों में, सही लग रहा है? अच्छे लग रहा है, बढ़िया हो जाओ तेरे तेल लगा। और अब के मैं देख रहा हूँ मम्मी फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि पापा से भी नहीं चढ़ा जाता, उनको भी कमजोरी है। सही है, अच्छा से देखे, सुख शांति होनी चाहिए। सुख शांति तो है बहुत, जो आराम से रहे, सिर दर्दी नहीं। और इधर फ्लैट टाइप के भी मिल रहे हैं मम्मी, देख लियो जैसा अच्छा लगे ले लियो। सही है, क्यों ऊपर चढ़ने में परेशानी होगा, नीचे चढ़ने में परेशानी ना हो, कोई सामान लाओ तो बैठे रहो सामान को लेकर। फ्लैट टाइप का ना एक रूम चाहिए, एक रूम चाहिए। हाँ दो रूम का सेट कर लिए शादी के बाद। हाँ चलो देख लेंगे ना, देखने में क्या परेशानी है। पापा हाँ? कल मुझे बुआ बता रही के जो मम्मी को देख कर सबसे पहले घर में वो बुआ ही है। हाँ? वो फोटो लेके गई रख के फ्रॉक में, बुआ ने बताया छोटी सी बुआ ने तुम्हारी शादी करवाई और तुमने बुआ की शादी करी। हाँ मेरे उसकी शादी के संस्कार सगले मेरे हाथ के हैं। ओमकार साहब ले गए तेरे बैठा के साइकिल पे ही ना? किने? संतोष को, छोटी सी तो ही। ओमकार साहब कौन है? अच्छा वो बल्लू के वो ना है चाचा, ओमकार साहब उनकी साइकिल पे गई बैठ के, एक अंगूठा बना देते आप तू चल। तो जब चली गई तो फिर कह रहा है एक है आज तो घर में बढ़ा लिया मैं। अच्छा बुआ के साथ संतोष ना जाती ना घर में बढ़ा, घर में ना घुसने दे भाई नानी। और पापा ने बुआ की शादी करी है। हाँ। सारी शादी तुम नहीं करी? अच्छा वो भी बताएंगे एक ब्लॉग में, फोटो दिखाऊंगा तो मैं देखूं आज बुआ के। पापा बुआ पता है एक बात बता रही तुम्हारी, कह रही के जब भी रिश्ता आवे बोड़े का, मतलब तुम्हारे भैया का बड़े वाले का ताऊ जी का, के उसे दुबकावे विपन को, यूं कहे न तू छुप जाए कर, तुझे पास कर जा कोई, नो न ना करे कोई भी पास, अनु विपन एकदम भक्का आ गया वे। तेरी मम्मी बता रही अम्मा को है, अम्मा ने भी बताई ये बात सच है। तुम्हें शादी की क्यों जल्दी रहे गए था हमारे तेरे नाना डर गए पापा कैसे यूं कह रही बुआ विपन को शादी का लालच बहुत है, एकदम भक्का आ गया कोई भी देख ना आवे। फिर लास्ट में मम्मी मिल गई करीना। ये भी तो बहुत सुंदर है, और तुम ना ही सुंदर, तेरे पापा बहुत सुंदर है। बुआ कह रही तेरी मम्मी भी बहुत सुंदर ही। अच्छा हाँ सही है, और छोटी सी गई ओमकार की साइकिल बैठ के, तेरे ताऊ की पाऊ ओमकार ताऊ ना है। तो मैं निकल रहा हूँ मम्मी है, ठीक है सही है, अपना मस्त रहो, खाओ पियो मौज लो। ठीक है पापा मैं जाऊँ? भैया मेनू कर रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है। एवरीवन गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मैं जा रहा हूँ अपने शूट के लिए, शूट पे निकल रहा हूँ, तो शूट का कुछ खास नहीं है ज़्यादा, वो ये आउटफिट का शूटिंग चलेगी आउटफिट की, तो उसका मैं क्या ही ब्लॉग में डालूँ, मैं हर बार ही ब्लॉग में डालता हूँ, इतना आप सबको पता तो चल ही गया है। तो बुआ जी कह रही है सबसे पहले अपना शूट फिनिश करके आ, शूटिंग पे जा, अपनी मॉडलिंग वाली जो भी तेरा सूट वगैरह जो भी आ रहा है उनको इतना पता नहीं है, वो कह रही है तो सबसे पहले अपने शूट पर जा, फिर उसके बाद यहाँ पे आई हो। तो अभी जा रहा हूँ मैं करकरडूमा डेली, वहाँ पर मेरा शूट है,
उसे खत्म करके सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊंगा घर, घर से अपने जो कपड़े हैं, शूज है, कुछ फॉर्मल शूज है जो मुझे वेयर करने होते हैं अलग अलग आउटफिट पे, वो लेकर जाऊंगा। और अभी मैं अपनी पहले बियर्ड करवाऊंगा अच्छे से, ये सेट करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा वहाँ पे। तो ये सब कराने के बाद फिर मम्मी से मिलूंगा, पापा से मिलूंगा, फिर जो हमने रूम्स देखे हैं वहाँ पर आसपास वो रूम्स भी देखने हैं मुझे, क्योंकि हम खाली कर रहे हैं, नए वाले रूम में शिफ्ट होंगी, क्योंकि मम्मी के जो पैर में प्रॉब्लम है उससे वो तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ पाती हैं, वो बहुत ऊपर पड़ता है। तो उसके बाद जाऊंगा मैं शूट पे, फिर आऊंगा मैं बुआ जी के पास। मुझे अच्छा लगता है एक बार मतलब एक टाइम में दो दो काम करना, बुआ जी के साथ वीडियोस भी बनाना, अपने ब्लॉगिंग भी करना और अपनी मॉडलिंग भी करना, मम्मी पापा का ध्यान भी रखना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे करो, आप थाली हो तो कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट अपने अंदर लाओ, आप कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाओ गाइस। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपके कोई काम नहीं आने वाला है। एक बार को आपके पास पैसा है तो आपके पास सब है, मतलब आपके पास पैसा है तो आपके पास सब है, वरना कोई किसी का नहीं है। सबसे पहले आ गया हूँ मैं घर, अब मैं जाऊँगा अपनी बियर्ड कराने, बियर्ड सेट करा के फिर निकलूँगा सूट के लिए। और घर से लेने हैं मुझे शूज़ अपने और कुछ आउटफिट। पापा मुझे देख के एकदम जग गए, सो रहे थे तुम तो, सो जाओ ना। मैं क्यों ऐसे कोई नींद आ रही है? अच्छा पापा एकदम जग गए मुझे देख के, मैं तो सूट के लिए जा रहा हूँ। सही है, सो जाओ तुम। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। पपीता वपीता ना लाया अब? ना पपीता ना। क्यों कंटिन्यू खाओ? अरे खाते रहो, अभी बीपी ठीक ना तुम्हारा? अभी जूस पी रहा हूँ मैं। जूस पी रहे हो? चलो ठीक है। अब मम्मी को देखो कैसा सो रही है, सोती हुई को ना ले रहा मैं ब्लॉग में, जब जग जाएंगी जब लूँगा। पापा अभी थोड़ा टाइम में मैं अभी सो जाता हूँ, थोड़ा सा आधे घंटे, फिर मैं थक जाऊँगा बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ ये है वो लोकेशन जहाँ पर मेरा कई बारी शूट हो चुका है, और ये बहुत प्यारी लोकेशन है। तो यहाँ पर अब मेरा शूट चलने वाला है, तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा क्या क्या आउटफिट पहने हैं, क्योंकि वो अपनी साइट पर डालेंगे। और यहाँ से फ्री होने के बाद सीधा गया मैं मंडी, जहाँ पर बिक्री थी यहाँ पर हरी मिर्च, जो बहुत देसी हरी मिर्च होती है। तो भम्मू को देसी हरी मिर्च का चार डालना बहुत पसंद है, तो मैंने ये ली बुआ जी के लिए और अपने घर के लिए। ये बहुत अच्छी है, बुआ जी डालेंगे इसका अचार, इसकी रेसिपी शेयर करेंगे फिर हम। थोड़ी बड़ी बड़ी देना, ये देसी वाली है ना? हाँ यही दे दो। और फिर गाइस जैसे ही मैं शूटिंग से फ्री हुआ, तो सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्च ली थी, और फिर पापा के लिए लिया पपीता। हाँ पपीता, क्योंकि उनका लीवर थोड़ा कमज़ोर है, तो मैंने बोला पापा आपने पपीता ये सब क्यों बंद कर दिया, और ये सब लेकर पहुंच गया फाइनली मैं पापा के पास घर। तो गाइस मैं आ गया हूँ शूट से घर, और अभी देखो मुंह धोऊंगा, पता नहीं क्या क्या लगाया, इतना साइन आ रहा है। मम्मी आज मैंने इतनी अच्छी बियर्ड सेट करी थी ना कलर से, क्योंकि मैं बना के नहीं गया था ना, यहाँ पे मैंने कलर लगाया, दिख रहा है देखो यहाँ कलर, बहुत अच्छी लग रही थी। शूट का एक वो डालूंगा इस पर, छोटी सी क्लिप डालूंगा इस, वो देखना। और मैं देखो क्या क्या लेके आया हूँ, ये देखो हरी मिर्ची, ये तो मम्मू बुआ ने मंगाई है 2 किलो, ये वो डालेंगे बुआ अचार। ये पपीता लाया इतना मोटा, ये पपीता मैं पापा के लिए लाया हूँ, तुमने तो बिल्कुल ही खिलाने बंद कर दिए। अच्छा तो है, मैं क्या कह रहा हूँ है मम्मी, पापा के पपीता पे भी तो सब बंद कर दी, मैं नहीं हूँ तो अभी तो करे हैं, जब से तो खा भी खा ही रहे, तो दे दो। किसका फोन आया? कैसे भैया से कह दिए 2 कुर्ते ला ले मुझे जरूर। कौन से कुर्ते? भैया जाना जीन्स पे पहनने के, यहाँ होगी तब मिलेंगे। इतने अच्छे लाए, कलर छूटेगा नहीं, मुझे लग रहा है देखना अलग ही दिख रहा है। इतने अच्छे कपड़े लाए। तो गाइस अब मैं कर लेता हूँ चेंज, और मम्मी यहाँ पे भराई मेला लग रहा है, उसे मैं देखने जा रहा हूँ। भराई मेला आज का लास्ट है, और यहाँ का बोल रहे हैं लोग बहुत फेमस मेला होता है भराई मेला, उसमें बहुत भीड़ भी है, लेकिन आज का लास्ट है, तो मैं देख के आ रहा हूँ कैसा होता है भराई मेला। फर्स्ट पहली बार मैं सूरजपुर का मेला देखूंगा। पापा चल रहे हो? चलो पापा चल रहे हो? लाइट ना आ रही, ये उल्टा फोन है। अच्छा ठीक है, चल रहे हो मेला? बहुत भीड़ है तुम मेला। अच्छा तो मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद।
मम्मी अचार वाली मिर्च है देसी मिर्ची, ये ऐसे चीरा लग के इसमें मसाला भरा जाएगा फिर डालेंगी ये। हम भी डाल लेंगे, बुआ खाना जाना है मिर्च हम ना खाते, हम ना खाते तो तुम्हारी अलग है तो। हाँ, मैं बुआ से कहूंगा बुआ तुम्हें डाल के भेज देंगी। ठीक है सही है, मेरे लिए ये गिरवाते अच्छी सी। ठीक है बढ़िया सी। ठीक है। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेले का व्लॉग आएगा मेरा, भराई मेले का, देखना ना भूलें। बाय।